पूजा स्टार्ट होने वाला है, होने वाला है। और कल से क्या क्या प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे? यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा, जनसाधारण आएगा, देखेगा, आनंद उपभोग करेगा। और कुछ अनुष्ठान, कुछ अनुष्ठान प्रोग्राम होने वाला नहीं है, पूरा गैदरिंग मरता है, पूरा गैदरिंग मरता है, नहीं होगा, नहीं होगा। ऑडियंस आएगा और देखेगा। और यहाँ पे करीबन मोर देन पिछले साल से कितना लोग आया है दुर्गा पूजा में? पूरा भर्ती, पूरा जाम, मोर देन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल, अनदर ब्लॉग। आज सभी लोगों को आज दुर्गा पूजा में हार्दिक शुभकामना है। ज्ञान सृष्टि का दिन आप लोग सभी लोगों को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना, एंड आपको भी एंड आपका परिवार को भी। ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि हम आज हुजाई डिस्ट्रिक्ट का पूरा आप लोगों को दिखाएंगे आज जो देवी दुर्गा माँ का कैसा पंडाल बनाया गया है। और हुजाई में करीब 60-70,000 से बनाया गया है मूर्ति, आप लोग देखते रहिए। ये रहा मॉर्निंग गैलरी रोड, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत से बनाया गया है, वो लाइटिंग वगैरह देखे काफ़ी खूबसूरत से बनाया गया है, देख सकते हो गाइस। तो हुजाई का शब्द से आप लोग जानते होंगे शायद, हुजाई मतलब हो जाए, सब कुछ हो जाता है। सो ऑलरेडी अनकॉमन चीज भी बना लेता है और सेम टू सेम टोपी करके भी बना लेता है, जो महामृत्युंजय को बना लिया इस जय में, इसीलिए नाम में जाना जाता है हो जाए, मतलब जो नहीं बना सकता है वो भी बना दिया। और आप लोग मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए ना भूलें, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ आप लोग लाइक कीजिए। और आज मैं वीडियो बनाते बनाते वो सार को साथ भी मुलाकात हो गया गाइस। बहुत ही लाकी है कि हम लोगों का हुजाई डिस्ट्रिक्ट का MLA सर भी मौजूद है हम लोगों का साथ, और देख सकते हो। हम सर्वप्रथम बोलूंगा सर को मेरे तरफ से। सर नमस्ते सर। और सर मेरे तरफ से आपको पूजा का हार्दिक शुभकामना, और साथ साथ आपका परिवार को भी। और सर आज षष्ठी पूजा में आके आपका फीलिंग्स कैसा लग रहा है? तो पूजा का समय अच्छा ही लगेगा सबको, और मैं इस सिलसिले में सारे आसाम तथा हुजाई के लोगों को शुभेच्छा देता हूँ, और इसी समय सबको मन में जितना भी आशा है पूर्ण हो, यही कामना करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। और हमारा साथ साथ और हम लोग का पिंटू सर भी मौजूद है, से भी दो एक बात जनसाधारण को बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहता है इस बार दुर्गा पूजा में। और सर आप यहाँ पे आकर आपको फीलिंग्स कैसा लगा? मतलब इस बार का जो मतलब दो साल बाद में इस बार पूजा हो रहा है, तो मतलब इस बार का थोड़ा पूजा में देखने को मिल रहा है कि आदमी का बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप हर तरफ देखिए, पंडाल में देखिए, मार्केट में देखिए, आदमी का बहुत उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, और चाहेंगे कि सबका पूजा अच्छा बीते, भाईचारा बढ़े, ऐसे ही सबका बहुत दिन खुशहाली से बीते, यही कामना करता हूँ। और सर आपने शॉपिंग वगैरह कर लिया? जी कर लिया। और बाकी है कुछ कुछ पूजा का शॉपिंग तो एक बार में होता नहीं, अभी तो पूजा का अभी जस्ट षष्ठी आज चालू हुआ है, मतलब अभी हम लोग का और दिन अभी मतलब अब तो जलेबी बाकी है, अभी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एक एक दिन बाकी रहेगा। आप सर एंजॉय करेंगे? जी जी, पूरा पूरा सभी लोग दोस्त लोग का साथ एक साथ एंजॉय करेंगे, और सभी लोग मिलके इस बार दशमी मनाएंगे बहुत अच्छा से, क्योंकि कोविड का इस बार प्रोटोकॉल है नहीं, तो बहुत अच्छा से इस बार मनाएंगे। ओके सर, आपका फैमिली को भी मेरे तरफ से दुर्गा पूजा हार्दिक शुभकामना। आपको भी रहेगा मेरे तरफ से। आज यहाँ पे देखा जाए तो आज इंडिया का जो केदारनाथ मंदिर बनाया गया है, केदारनाथ टेम्पल बनाया गया है, ये है हम लोग का हिंदू धर्म का, ये है रहा चार धामों से एकदम माना जाता है ये केदारनाथ। और वो केदारनाथ इस्टेब्लिश है, आप लोग तो जानते होंगे शायद, ये कहाँ रहा आप लोग तो जानते हैं शायद, तो मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये रहा इंडिया का, ये उत्तराखंड में ये पड़ा जाता है हिमालय पर्वतों में, वो जो देवों का देव महादेव बोला जाए तो वो रहता है, उसी टाइम से ये केदारनाथ इस्टेब्लिश किया गया है। इसके इतिहास देखा जाए तो बहुत ही पुराना मंदिर है ये बोला जाए तो, और हिंदू धर्म का ये बहुत ही नंबर वन ये धर्ममूलक ये केदारनाथ बोला जाता है, तो इसीलिए आप इसमें और हर एक इंडिया का कोना कोना से लोग ये इसमें जाते हैं। और आज ये एस्टेब्लिश गया है हुजाई डिस्ट्रिक्ट का विष्णुपल्ली नवोदय में, और ये बहुत ही शानदार से पंडाल बनाया गया है, ये केदारनाथ टेम्पल देवों का देव महादेव का ये मंदिर बनाया गया है। आज यहाँ पे दुर्गा पूजा होने वाला है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे कमिटी मौजूद है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरा तरीके से कोशिश करूँगा, आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आप लोग अभी ये पंडाल का जो कमेटी है, इसी में इस दुर्गा पूजा का जो कमेटी है उसी सर के साथ अभी बात करेंगे, आप लोग देख सकते हो इसी में मौजूद है हम लोग का दादा, ये कमेटी रहा है। तो सर आपका नाम क्या रहा पहले? मौसम चौधरी। तो आपको मेरे तरफ से नमस्ते। थैंक यू। आप लोग को भी पूजा का बहुत सारा शुभकामनाएं, आप लोग का दर्शक को भी बहुत सारा शुभकामनाएं, हमारा पूजा कमेटी की तरफ से सबका पूजा अच्छा जाए।
और ये जो देखने को मिला है केदारनाथ टेम्पल है, और ये केदारनाथ टेम्पल का जो पेंडल सजाया गया है ये करीबन कितना अमाउंट लग गया इस पेंडल? ये इसमें ओवरऑल हम लोग का बजट 4 से 5 लाख रुपया लगा है, जिसमें हम लोग का लोकल लोगों ने बहुत हेल्प किया है, सब हम लोग मिल के इसको बनाया है पिछला 2 महीना से। थीम के ऊपर भी काफ़ी हम लोग ने चर्चा किया, विचार किया, परामर्श लिया हमारे पुराने मेंबर्स का भी, फिर जाके ये फाइनल हुआ है। और ये पेंडल कहाँ से बनाया गया है, ये मतलब ये पेंडल का ओनर कहाँ का है? पेंडल का ओनर कारीगर तो यहीं से लोकल से हो जाए ही है, हम लोग के यहाँ के कालीबाड़ी में उनका कारीगर है, तो वही लोग बनाए। ओनर सर का घर भी यहाँ पे है? हाँ हाँ यहीं पे है। अच्छा, ये काल सप्तमी अष्टमी के दिन कुछ प्रोग्राम है क्या? हाँ, प्रोग्राम हम लोग का 3 दिन का बहुत खास प्रोग्राम है। जैसे सप्तमी का दिन हम लोग का कल का दिन का प्रोग्राम है लाइव स्टैचू, ठीक है, तो उसमें लोग लाइव स्टैचू बनेगा, हम लोग का कलाकार बाहर से बंगाल से आ रहा है, तो उसमें स्टैचू हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। खास प्रोग्राम है अष्टमी का दिन, अष्टमी का दिन उससे भी बेहतर, क्योंकि कोरोना काल में जो महामारी ने हम लोग का यहाँ जो हालत किया था उस टाइम लोग जब घर से निकलने के लिए डर रहा था, तब हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्य कर्मी जो है मदद किया था, उसके लिए उन लोग को संवर्धना या रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग उनका यहाँ पे रोल प्ले जैसा हम लोग एक अरेंज किए हैं। तो अष्टमी का दिन हम सभी भक्तगणों को मेरे तरफ से निमंत्रण है कि आके जरूर इसको देखें। और नवमी का दिन खास करके हमारा युवाओं के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जैसे कि हमारा देश का स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और भगत सिंह जी, उनका भी यहाँ पे लाइव हम लोग रोल प्ले टाइप का एक ये किया है, जिसका भी हम लोग का कलाकार बाहर से आएंगे और उनके थ्रू से हम लोग छोटे बच्चों को ये सिखाना चाहता है हमारा ऐतिह्य क्या था, हमारा इतिहास क्या था, देश के लिए हम लोग का ये लोग महान सेनानी लोग किस तरह से बलिदान दिया था, सब कुछ भूल के, जिसके वजह से हम लोग एक आज़ाद हिंदुस्तान में आज सांस ले पा रहे हैं। तो यही खास प्रोग्राम है 3 दिन। और देखा दिया कि दुर्गा माँ यहाँ पे लाया गया है आज, क्योंकि बैल षष्ठी है ना, बैल षष्ठी का दिन देखा गया है, दुर्गा माँ ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। और दुर्गा माँ कितना फुट का है आज? यहाँ 10 फुट। और करीबन इसका दुर्गा माँ का अमाउंट कितना है? मुक्ति बनाई गया है इसका अमाउंट 70 to 80,000 जैसा है। 70 to 80,000। बहुत ही देखा था कि बहुत काफ़ी खूबसूरत से बनाया गया है दुर्गा माँ, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ पे आके, बहुत ही हमको भी बहुत ही अच्छा लगा। 35 years ये है, 30 पहला बार दुर्गा पूजा किया था यहाँ पे कालीबाड़ी में। अच्छा ठीक है, थैंक यू दादा इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लॉट्स ऑफ थैंक यू। नमस्ते। पूजा में आज बहुत सारा पेंडल ऐसे बनाया गया है, आप लोगों को लाखों का पेंडल बनाया गया। आप लोग इसी वीडियो में मौजूद रहिए ताकि आप लोगों को सब कुछ देखा पाऊंगा, और आप लोग भी इसी दुर्गा पूजा में आइए, बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है हम लोग असम का हुजई डिस्ट्रिक्ट में वो भी। और गाइस यहां पे आते आज सुस्ती का दिन आते वक्त हमारा फ्रेंड को भी मिल चुका हूं, ये रहा टीम। और दोस्तों आज पूछेंगे कैसा लगा यहां पे, आज यहां पे दुर्गा पूजा के टाइम आप घूम रहे हो या ऐसे नहीं? मैं तो यहाँ से जा रहा था, फिर तुमको देखा तो सोचा थोड़ा बात कर लूँ, तो अच्छा लगा। आपका गर्लफ्रेंड लेके आया? और मेरा साथ हमारा क्लास फ्रेंड नहीं, मैं अकेला हूँ, फ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड का टाइम अभी नहीं है, गर्लफ्रेंड का टाइम थोड़ा देर मतलब देर पूजा में गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमोगे? इतना बड़ा फेस्टिवल साल में एक बार आया। हाँ, तो नवमी के दिन में घूमना पड़ेगा ना। सभी लोग तो सोच रहा है कि गर्लफ्रेंड लेके घूमेगा, पूरा शॉपिंग वगैरह कर दिया वो लोग, विशाल से विशाल मार्केट से गर्लफ्रेंड के साथ देखा है बहुत सारा लोग, घर का लोग सारा साथ साथ नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं इधर में नाम बताना। इस बार आ चुका हूँ केदारनाथ से, ये रहा महामृत्युंजय टेम्पल। और ये महामृत्युंजय टेम्पल कहाँ पे अवस्थित है, हम लोग असम का नगाँव डिस्ट्रिक्ट में ये इस्टेब्लिश गया है, जो हुजई डिस्ट्रिक्ट का गांधी मैदान में ये स्टेज सजाया गया है। आप लोग देख सकते हो नगाँव डिस्ट्रिक्ट का जो महामृत्युंजय टेम्पल है वो लाइक देयर सेम टू सेम यहाँ पे बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें अंदर में ऑलरेडी जो देवी दुर्गा माँ ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी। और काल से ये पूजा पूरा जबरदस्त से होने वाला है, देवों का देव महादेव का ये टेम्पल
बोला जाए तो बनाया गया है, ये लिंग है देवों का, देव महादेवों का। और इसमें और आप लोग गाइस यहाँ पे जरूर आना हुजा डिस्ट्रिक्ट में ये पूजा में। बात करेंगे इस पेंडल का कितना रुपया में, कितना बजट से बनाया गया है, देख सकते हो। सर्वप्रथम अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम क्या रहा? मेरा नाम खोकन मुनि। आपका घर कहाँ है? घर ये नूतन बाजार। और ये पेंडल जो सजाया गया है ना, ये मृत्युंजय का कारीगर है ना, वहाँ पर कहाँ से बनाया गया? डबका, डबका से। डबका से बनाया गया। और ये ओनर कहाँ का है, ये इसका मालिक? मालिक मालिक तो डबका ही है सर। डबका है ना, डबका का वो मालिक है, और साथ में उस लोग का कार्य है। और इसमें टोटल कितना बजट से ये बनाया गया है? 10 लाख करीबन। 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख। और ये कितना दिनों से बनाया जा रहा है? एक मास 10 दिन। एक मास 10 दिन में ये टोटली कम्प्लीट हो चुका है? कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो कल से पूजा स्टार्ट होने वाला है? होने वाला है। और कल से क्या क्या प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे? यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा, जनसाधारण आएगा, देखेगा, आनंद उपभोग करेगा। और कुछ अनुष्ठान, कुछ अनुष्ठान प्रोग्राम होने वाला नहीं है? पूरा गैदरिंग मरता है, पूरा पूरा गैदरिंग मरता नहीं होगा? नहीं होगा। ऑडियंस आएगा और देखेगा। और यहाँ पे करीबन मोर देन पिछले साल से कितना लोग आया है दुर्गा पूजा में? पूरा भर्ती, पूरा जाम। मोर देन कितना? मोर देन कितना लोग? माने मोटा मोटी हम लोग का आदमी का वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। मोर देन बोल सकते हैं यहाँ पे करीबन 1000 या 1500 लोग यहाँ पे भीड़ करता है ना? हाँ, 1000 1500, 5000 10000 15000 भी लोग यहाँ पर भीड़ करता है। और यहाँ पे बहुत दूरों दूरों से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। हाँ। को देखना चाहता हूँ, ये जो महामृत्युंजय टेम्पल बनाया गया ना, इसी में इस सर ने बनाया गया है, इसी पेंडल का ही ओनर है। तो अंकल आपका नाम क्या रहा? मेरा नाम शंकर सिल है। तो आपको मेरे तरफ से नमस्ते। आप कहाँ से हो? मैं डबका का हूँ। और ये पेंडल अपने आपका ही है सईद? हाँ, हम लोग 10 आदमी मिलकर ये बनाया है। और मोर देन कितना दिनों से ये बनाया गया है? करीब 1 महीना लग गया हम लोग, करीबन 1 महीना लग गया ना। और ये जो बजट है कितना रुपया का बजट है ये? हम लोग का तो 7 लाख का बजट है, टोटल मिला के 7 लाख होगा ना। और ये जो देखने को मिल रहा है ये स्टेब्लिश गया है हुजा डिस्ट्रिक्ट का गलापट्टी में, और चाल बाजार भी बोल सकते हो। और काफी खूबसूरत से बनाया गया है गाइस, आप लोगों को पूरा तरीके से दिखाने के लिए मैं पूरा तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे बाहरों का जो लाइटिंग से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही काफी खूबसूरत से बनाया गया है। ये देख सकते हो काफी खूबसूरत से ये पेंडल बनाया गया है। आज का वीडियो यहाँ पे ही रोक रहा हूँ, और गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।